देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने को लेकर खड़े हुए विवाद में आम आदमी पार्टी के विधायक अल कलाम्बा और सोमनाथ भारती ने गलती की, ये कहना है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का। सौरभ भारद्वाज की माने तो सोमनाथ भारती ने गलती की और लाम्बा ने भी गलती की। साथ ही भारद्वाज ने दावा किया कि पार्टी नेतृत्व जल्द ही अल कलाम्बा और सोमनाथ भारती से स्पष्टीकरण मांगेगा। अलका लांबा के लिए सौरभ भारद्वाज के तलख तेवर साफ दिखाई दिए। जब उनसे सवाल किया कि संकल्प पत्र में राजीव गांधी के विषय में सुझाव लिखा सोमनाथ भारती ने, सदन में पढ़ा जर्नैल सिंह ने, तो अलका लांबा से पार्टी की नाराजगी क्यों? जवाब में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर आप अलका लांबा और सोमनाथ भारती का ट्विटर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सोमनाथ भारती से गलती हुई, लेकिन तुरंत मेरे ट्वीट करने के बाद सोमनाथ भारती ने ट्वीट कर कहा कि मेरी गलती थी, मगर अलका लांबा ने इसके विरोध में ट्विटर पर एक झूठा रेजोल्यूशन डाला जिससे अलका लांबा ने ज्यादा कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की। इसीलिए ऐसा लगा कि अलका लांबा और सोमनाथ भारती कंफ्यूजन फैला रहे हैं। हालांकि अब ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टी इनसे इस्तीफा लेगी, लेकिन हाँ, दोनों ने गलती की थी। साथ ही सौरभ भारद्वाज से जब सवाल किया गया कि अलका लांबा के पास रेजोल्यूशन की कॉपी आई कैसे, तो सौरभ ने कहा कि ये सवाल अलका से पूछा जाना चाहिए। जब अलका लांबा स्वयं सदन में मौजूद नहीं थी और जब पूरे हाउस में जिस रेजोल्यूशन की एक कॉपी बांटी गई वही अलका लांबा के पास थी, उन्होंने एक कॉपी जिसमें राजीव गांधी के विषय में लिखा था उसे ट्विटर पर डालकर कंफ्यूजन क्यों फैलाया, ये उन पर सवाल है। अगला सवाल पूछा गया सौरभ भारद्वाज से कि पार्टी नेतृत्व की बात क्या अलका लांबा से हुई थी। इसके बारे में उन्होंने कहा कि हर चीज के लिए इस्तीफा नहीं मांगा जाता, न हर कार्रवाई सबके सामने बताई जाती है, लेकिन पार्टी नेतृत्व द्वारा अलका लांबा और सोमनाथ भारती से सवाल जरूर पूछे जाएंगे, स्पष्टीकरण जरूर मांगा जाएगा। शीला दीक्षित के आपसे गठबंधन न करने के बयान पर सौरभ ने कहा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले शीला दीक्षित खुद कहती हैं कि गठबंधन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आम आदमी पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। शीला दीक्षित पहले खुद तय करें करना क्या है। जब उनसे पूछा गया कि दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन होना चाहिए या नहीं, तो सौरभ ने कहा कि पार्टी में इस लेवल पर छोटा आदमी हूं, इस बारे में पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी फैसला करती है, लेकिन पार्टी में इस मामले पर कोई फैसला नहीं हुआ और ना किसी से बातचीत हुई। साफ दिखाई दे रहा है कि दिल्ली आम आदमी पार्टी में जो देखने को मिला उसको कवर करने की कोशिश की जा रही है, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पार्टी की फजीहत सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म पर हो चुकी है। अब पार्टी कुछ भी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करे, कोई भी दलील दे, लेकिन हर दलील नाकाफी साबित हो रही है। साथ ही अलका लांबा के दिल में भी अब पार्टी के लिए शायद वो जगह नहीं बची होगी, और सौरभ भारद्वाज के बयानों से भी लगता है कि पार्टी में अलका लांबा के लिए भी वो जगह नहीं बची जो कभी हुआ करती थी। आने वाले वक्त में रेजोल्यूशन की रात क्या नया गुल खिलाएगी आम आदमी पार्टी में, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए।